नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्टिकल लाइंस, हमारे खास एपिसोड क्वार्क एक्सप्रेस की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से अपना नया पेज डिजाइन करेंगे, किस तरीके से उसका साइज देंगे, किस तरीके से अपना नया पेज को बनाएंगे। दोस्तों, ये सभी चीजें हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो रिवीजन वीडियो है और जिन लोगों ने मैं पुराना वीडियो नहीं देखा है तो वो उनके लिए वीडियो है। और ये हम अब आपके रिवीजन क्लास लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ हम छोटी वीडियो बनाएंगे और आपको हर एक छोटे छोटे स्टेप्स को क्लियर करते जाएंगे। तो दोस्तों, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर अब हम रिवीजन क्लास लेने वाले हैं और आपको सभी चीज़ें बताने वाले हैं जो जो चीज़ें क्वार्क एक्सप्रेस को सीखने के लिए ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज हम चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से आप अपना नया पेज बना करके अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन बना सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल एन करके हम इस डायलॉग बॉक्स को ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ फाइल पर जा करके न्यू पर जाएंगे और अपना डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर न्यू पर जाने के बाद आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा, जहाँ पर पेज के डिफॉल्ट साइज दिए होंगे जिसको लेकर के अपना पेज बना सकते हैं, या फिर आप अपना जो है मैन्युअली भी यहाँ पर साइज डाल करके पेज बना सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है मार्जिन का ऑप्शन, यहाँ मार्जिन भी दे सकते हैं पेज पर अपने, और नीचे दिया हुआ है आपका ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर जो है अपना लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, जो भी आपको सेट करना है आप उसके हिसाब से पेज सेट कर सकते हैं। उसके नीचे दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर कॉलम का ऑप्शन, जो कि कॉलम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ गटर का ऑप्शन दिया हुआ है, गटर भी आप दे सकते हैं। यहाँ ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, उसके बाद आप ओके करेंगे। तो चलिए आप हम लोग सेट कर लेंगे अपना पेज का साइज। तो जो भी साइज का आपको पेज बनाना है, और फिलहाल मैं तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड साइज फुल साइज पेज बनाऊंगा, जो कि हम 350 mm यानी कि 35 cm का हम यहाँ पर साइज लेंगे। तो आप भी इस तरीके से अगर मिलीमीटर लेना है 350 cm लेना है तो 35 cm को आप साइज लेंगे। हम फुल पेज बनाएंगे तो 35x54 का हम लोग लेंगे, यानी कि 33x52 का हमें साइज यहाँ पर आएगा, क्योंकि 1 cm की मार्जिन हमारी यहाँ पर ली गई है। तो यहाँ पर हम लोग जो है अब मार्जिन लेंगे, जो कि हम 1 cm की मार्जिन यहाँ पर लेंगे। तो आप भी इस तरीके से अपनी फुल साइज बना सकते हैं, टेबलॉइड साइज भी बना सकते हैं, जो भी चीज़ बनाना है आपको यहाँ पर बना सकते हैं। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग पूरी मार्जिन सेट कर लेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग कॉलम डिवाइड करेंगे। तो कॉलम डिवाइड करने के लिए 8 कॉलम का एक फुल साइज अखबार में 8 कॉलम स्टैंडर्ड माना जाता है, उसके बाद गटर साइज यहाँ पर दिए जाते हैं, उसके बाद आप ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद आपके सामने फुल साइज अखबार आ चुका है, और इस फुल साइज पेज है जो कि आप इस पर जो है टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद अपना पूरा का पूरा बना सकते हैं। अखबार चाहे मैगजीन बनाना चाहे मैगजीन बना सकते हैं। तो इस तरीके से अपना पेज बनाइए। चाहे टेबलॉइड साइज लेना है तो इसी सेम पैटर्न पर टेबलॉइड साइज बना सकते हैं, उसके बाद आप ड्रॉ करके अपना टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करिए और उस पर जो है अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन को बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप जल्दी से अपना ओपन कर दीजिए और जल्दी से बना लिए। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में ये भी बताइए कि आज के वीडियो क्लास में आपको क्या क्या चीज़ समझ में आया और क्या क्या चीज़ आपको पूछना है, वो सब कुछ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, ये क्लास जो है हमारी रिवीजन क्लास है और आगे भी इस तरीके की रिवीजन क्लास अब होती रहेंगी, क्योंकि लगभग कोर्स हमारा क्वार्क एक्सप्रेस का पूरा हो चुका है। और जो भी जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके जो डाउट्स हैं वो हम इस रिवीजन क्लास में क्लियर करते चलेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक दिन कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।